नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश मुदगल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसी जगह पे जिसके लिए चाइना आमतौर पे मशहूर है। चाइना मशहूर एक चीज़ के लिए भी है, एक तो अपने आइटम के लिए है चाइनीज़ मालों के लिए, दूसरा वो मशहूर है कुंग फू कराटो के लिए। हालांकि वो एक अलग विषय है कि कलरीपट्टू वो भारत का ही था और वो आगे जाके वो चीन में पला बढ़ा और चाइना का वो हो गया, एक क्या बोले उसे, चाइना का नाम हो गया उसमें। पर हाँ, चाइना जिस चीज़ के लिए मशहूर है, आज ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं। मेरे जीवन की चीन की पहली मेरी मार्शल आर्ट क्लास। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ चाइना की जो मार्शल आर्ट की क्लासेस होती हैं वो कैसी होती हैं। चाइना के जो नॉर्मल, एक तो होते हैं ट्रेडिशनल स्कूल, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के इसको स्कूल है, एक तो वो होते हैं और एक हैं जो बिजनेस पर्पज़ से बने हैं। हम जैसे जैसे एक तो योग के जो है जो क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल जगह चला रहे हैं, और एक हम जैसे हैं जो रोजी रोटी के लिए इसे रोज़गार बना के अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का आपको जगह पे लेके चलता हूँ। हमारी एक शिष्य है, मित्र है, उसने हमें बताया था इस जगह के बारे में, तो हमने कहा जाएंगे। कंटेंट नहीं मिल रहा था तो हमने कहा वीडियो इसी पे बनाएंगे। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको, फिर आपको लेके चलता हूँ। अगला व्यू जो होगा वो वहीं का होगा, बने रहिएगा। और जो दोस्तों इसकी जगह है, जो मुझे बताया कि जो ब्रूसली था, ब्रूसली का जो टीचर था, तो उसके शिष्यों की एक चैन है, ब्रूसली के मास्टर के चेलों की एक चैन है। अब उसे पता नहीं यहाँ पे क्या बोले उसने, मुझे बताया था तो मैं भूल गया, फिर मैं बताऊँगा आपको उसका नाम क्या है। अगर मुझे मिल गया तो मैं नीचे लिख भी दूंगा, उस फॉर्म का नाम भी लिख दूंगा। तो वो सीखने जा रहे हैं हम, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा मेरी जो दर्द है मार्शल आर्ट, तो मैं इंडिया में भी सीख सकता था, मुझे यहाँ पर भी टीचर मिले थे, कुछ कहानी थी वो मैं बताऊँगा वीडियो के एंड में बताऊँगा, बने रहिएगा। तो जी, ये है वो जगह, यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की जगह बनी हुई है, तो इसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं। यहाँ का एक छोटा सा व्यू देख लो आप। फिर उसके बाद वहाँ से हम आए थे, वहाँ से हमारी एंट्री थी। फिर उसके बाद आप इधर से देखें, अब हम इसी में अंदर चले गए, इसी में जाके वो क्लासेस हो रही हैं ऊपर जाके। अभी लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम है। संभवतः मैं आया तो नहीं हूँ पहले यहाँ पर, संभवतः यही जगह है और हम सही जगह पे ही जा रहे हैं। उसने बोला है कि सेकंड फ्लोर पे आना है, ये देख लो, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया तो मैं पूरा तो अभी आपको रुक के ही दिखाऊंगा। अभी बस एक छोटा सा व्यू लो आप यहाँ से, इस तरह का। अब यहाँ पे लिफ्ट ढूंढ लेंगे, लिफ्ट कहाँ है ये देखो, तीन चार फ्लोर है यहाँ पे। ये भी किसी ने कुछ खेलने ही जा रहे होंगे। ये सब यहाँ पे आर्चरी का है, ये कुदाफादी का क्या है, ये शायद वही ताइक्वांडो क्या है, ये कुछ ऐसा सा ही है। तो जहाँ भीड़ जा रही, जहाँ तक है, इस भीड़ की तरफ ही होगा हमारी लिफ्ट का। हम भी घुस चलते हैं लिफ्ट में किसी में। अच्छा, ये है जगह। अच्छा, हमारे भी साथ आए कुछ यहाँ पे, वो हमारी वो दोस्त खड़ी है। वो वहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर खड़ा है, जो लड़की है। समय ये वो इंस्ट्रक्टर है जो मैथ सिखाएगा। इधर से हम चलते हैं। अरे बहुत लंबा ताम जाम है। तो हमारा क्लासरूम है ये, ये कुछ इस तरह के यहाँ पे चीजें रखी हैं। ये क्लासरूम देख लो, और ये है वो जिस पे हमें सिखाएंगे। दोस्तों देखा होगा ना आपने ब्रूसली की पिक्चर में, तो किसी ना किसी में देखा ही होगा, मैं तो देख रखा है। और ये है, और ये है, आजकल एक वीडियो वायरल हो रही ना, किसके बाद हमने ये वाला मारा, इसके बाद ये वाला मारा, इसके बाद ये वाला मारा। ये देख लो तलवार, हमारे यहाँ पे तो ये तलवार राक्षस लिया करते हैं, पर यहाँ पे इनकी तलवार है समुराई वाली तलवार।
ट्रेनिंग चल रही है अभी, उन्होंने बहुत कुछ करवाया हमें, तो वो तो मैं बना नहीं सका, पर अब कुछ इस तरह की ट्रेनिंग चल रही है, इस तरह का एक्शन है, ये रिहर्सल चल रही है, मतलब दोस्तों रेस्ट दिया थोड़ी देर करने का, बहुत बड़ी एक्सरसाइज कराई इसमें सेल्फ डिफेंस की, और मैं स्ट्रेचर के साथ ही कर रहा था, मस्त। पानी पियेंगे अब, तो दोस्तों मार्शल आर्ट की कहानी कुछ ऐसी है, इंडिया में भी मैंने शुरू करा था, तो मेरे पिताजी भी वीडियो देखेंगे, तो मैं कहानी सुनानी शुरू करता हूँ। तो मुझे मार्शल आर्ट सीखने का शौक़ कभी तब से था जब मैं बहुत छोटा था, अखबारों में पर्चे आया करते थे, समर कैंप लगा करते थे, तो हमारे यहाँ पे GC पब्लिक एक स्कूल था, उसमें लगा करता था समर कैंप, हर बार ही लगा करता था और हर बार ही मेरा मन था। पर समर कैंप में जाने के लिए दो चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है, एक तो होती है पिताजी की आज्ञा की आवश्यकता, और दूसरी होती है धन की। दोनों ही नहीं थे, ना तो समर कैंप में देने के लिए धन था, ना पिताजी की आज्ञा थी। बड़े होते 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 शायद ग्रेजुएशन के टाइम पे स्कूटर था मेरे पास, बहुत तेल पिया करता, बड़ी दिक्कत थी, पर वही था, कोई बात नहीं, चलो। तो फीस थी उसकी 800 रुपये उसकी फ़ीस थी, तो मैं पैसे जोड़ के अपने इकट्ठे करके मैं वो जमा कराया वहाँ पे, और मैंने कहा मैं सीखूँगा। मैं एक महीना गया, मेरा ट्रेनर मेरे से बहुत खुश, बहुत खुश, उसने कहा मुझे यश, मैं किसी को नहीं कहता, मैं तुझे कह रहा हूँ। मेरे पे गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद रहा, ये थोड़ा सा सौभाग्य रहा, हालांकि मैं एक आदर्श शिष्य बन नहीं पाया किसी भी उसमें, पर बड़ा स्नेह मिला कर था। तो उन्होंने कहा मैं तुझे ट्रेनर बनाऊँगा, बस मुझे एक साल देना अपना, बहुत मेहनत करा करूँगा मैं। तो फिर उसने 800 रुपये की तो फीस थी, फिर उसने 500 रुपये की, उसने कहा अगले महीने से जब हो तो तुम कपड़े भी ले लेना। मैंने कहा यार अभी तो 800 लाया, 500 कहाँ से लाऊं, और वो तेल का खर्चा था अलग। तो एक महीने में कर पाया था वहाँ पे। घर वाले पूछा करते थे कहाँ गया था, कहाँ गया था जी, जैसे लोंडे कहाँ करे, यहीं तक गया था। फ़ोन आया करता कहाँ है, कितनी देर में आ रहा, यहीं था जी बस आ रहा अभी। तो पहुँचे, करा हमने एक महीने करा, धन की समस्या बड़ी समस्या ही हो गए, वैसे होती नहीं पर उस समय पर थी वो, तो धन भी नहीं हो पाया और फिर समय का भी नहीं हो पाया क्योंकि डंडा हम पे तगड़ा था। तो कुल मिला के वो हमने कहा भाई यार छोड़ ही दिया। अब जाके फिर यहाँ पे जो मैं बता रहा था, मेरी फ्रेंड है मेरी एक जो ये स्टूडेंट भी है, उसने कहा ऐसे क्लास है, इच्छा है। मैंने कहा इच्छा है, पागल हूँ मैं। तो फिर उसने कहा ट्रेनर सच में बहुत बढ़िया है कि मोस्ट रिकमेंडेड ट्रेनर है। मैंने कहा तो करेंगे।
तो ऐसे मैं पहुंचा आज, ऐसी मेरी यहाँ पे आज मार्शल आर्ट की पहली क्लास हुई, ऐसा एक ब्लॉग बना दिया। कैसा आपको लगा, आपको दिखाया? अब अगला मेरा जो गोल है, एक यहाँ पे कुंग फू का जो टेम्पल है चाइना का मोस्ट पॉपुलर है, जो शाओलिन टेम्पल जो है, उसमें एक बार ब्लॉग बनाना है। तो अगर आपको देखना है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, बाकी कैसा लगा वो भी कमेंट में बताओ। बाकी तब तक के लिए ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठंड हो गई है यहाँ पे, माइनस में जा रहा धीरे धीरे टेम्परेचर, वहाँ पे भी ठंड हो रही होगी। कपड़े वपड़े पहने, खूब भोजन वोजन करें, खाएं पिएं, मस्त रहें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।